नमस्कार जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो गाइस, ये है हीरो की सीडी डिलक्स बाइक, और इस बाइक के अंदर जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। ये कुछ दिन पहले मिसिंग कर रही थी, लेकिन अब जो है इसने जो था बिल्कुल स्टार्टिंग ही बंद कर दिया। इस बाइक से स्टार्ट ही नहीं हो रही। जैसे हम इसका स्विच ऑन करते हैं और यदि बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो है आपको इसका जो स्पार्क प्लग है उसका करंट चेक करना है। इस कैप को निकालिए और इस वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आप स्विच ऑन रखें बाइक का, और यहाँ पर आप चैम्बर पे जो है इसका करंट चेक कीजिए और किक लगाइए, जैसे किक लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इस बाइक के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका जो राइट साइड का ये साइड पैनल है उसको आप ओपन कीजिए। इसमें यहाँ पे 10 mm का एक बोल्ट लगा होता है, आगे से बाहर निकलेगा और इसको बाहर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ से ओपन हो गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको बैटरी चेक करना है, बैटरी के अंदर करंट है या नहीं, ठीक है। वैसे तो ये बिना बैटरी के भी हो जाती है, लेकिन यदि बैटरी है तो कई बार जो होता है बैटरी शॉर्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। आप बैटरी के जो टर्मिनल हैं उनको हटा दीजिए और फिर करंट चेक कीजिए। और अब यहाँ पे हम करंट चेक करते हैं फिर से, स्विच ऑन रखेगा बाइक का, तो यहाँ पे करंट नहीं है। इसका मतलब जो बैटरी है वो शॉर्ट नहीं है, इसके अंदर कोई और ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम बैटरी को टेस्टिंग कर लेते हैं इसके जो दोनों वायर हैं उनको टच करके। तो आप देख सकते हैं जो बैटरी है वो स्पार्किंग हो रहा है, इसका मतलब ये है बैटरी हमारी सही है, ठीक है। तो उसके बाद जो फ्यूज है, फ्यूज को आप एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर इनको चेक कर लेते हैं, ये फ्यूज तो कोई ख़राब नहीं है। तो यहाँ पर दोनों फ्यूज चेक कर लेते हैं, दोनों फ्यूज इसके ओके हैं, आप देख सकते हैं बीच से शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों फ्यूज सही हैं। तो हम इनको वापस लगा देते हैं। अब उसके बाद जो अगली प्रोसेस है, यहाँ पर जो है या तो आपका रेक्टिफायर है वो ख़राब हो तब भी प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन यदि बैटरी सही है तो फिर प्रॉब्लम जो है वायरिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों फ्यूज सही है। तो अब जो है हमें इस बाइक को टेस्टिंग करने के लिए इसकी बैटरी की तार को वापस लगा देना है, दोनों तार को वापस से जोड़ दें। और अब जो है इसकी टेस्टिंग का तरीका है, स्विच यहाँ पर ऑन है बाइक का, यहाँ इधर आवाज, तो यहाँ पर जो है इसकी जो वायरिंग है उसको चेक करना है। इसके अंदर आपको दो वायर चेक करने हैं, एक तो रेड कलर का और जो दूसरी वायर है वो है रेड में ब्लैक। इन दोनों वायर को इस तरह से खींच के देखिए, कहीं कहीं से टूट तो नहीं गई, ये वायर तो ठीक है। अब जो रेड कलर का वायर है उसको भी आप खींच के देखिए, तो वायर तो यहाँ से ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ से हुआ। तो अब जो है हमें इस बाइक का जो वाइजर है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका वाइजर जो है वो खोल लेते हैं। चलो भाई वाइजर खोल। तो भाई जो वाइजर के हमने इसमें बोल्ट लगे थे उन्होंने खोल दिया है। यहाँ से इस होल्डर को हम अलग कर लेते हैं ताकि ये गिर ना जाए, और आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें जो इसका इग्निशन स्विच है, ये रहा इग्निशन स्विच की वायरिंग से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और ये जो सॉकेट आ रहा है पीछे से वायरिंग से आ रहा है यहाँ से, ठीक है। इसमें जो सॉकेट है उसमें जो दो वायर हैं उनको आपको आपस में मिला के चेक करना है, कहीं ये स्विच तो ख़राब नहीं हो गया। तो गाइस जो ये सॉकेट है इसमें वही दो रंग है जो हमने अभी वायरिंग के चेक किए, रेड और रेड ब्लैक, आप देख सकते हैं दो कलर हैं इसके अंदर। इन दोनों वायर को जो है आपको एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, जोड़ भाई। तो गाइस हमने दोनों वायर को जोड़ दिया है, अब इसका स्पार्क चेक करते हैं। अब चाहे स्विच ऑन हो चाहे ऑफ हो, क्योंकि आपने जो स्विच को था वो यहाँ से बाईपास कर दिया है, अब स्विच का जो कनेक्शन है वो यहाँ से कुछ नहीं रहा क्योंकि इसकी सॉकेट अलग हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर स्पार्क चेक कर लेते हैं। चलो एक एक लगा। तो गाइस अब भी जो है बाइक के अंदर स्पार्क बिल्कुल भी नहीं आया है,
तो अब परिस्थिति थोड़ी सी और गंभीर हो चुकी है। चलिए उसको भी हम ठीक करके आपको दिखाते हैं कैसे आप इसको ठीक करेंगे। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक मल्टीमीटर की, क्योंकि प्रोसेस जो था यहाँ से एक आम आदमी कर सकता है, लेकिन अब जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो मल्टीमीटर का होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बाइक के अंदर स्पार्क नहीं आया। तो इस वायर को हम यहाँ से निकाल देते हैं मल्टीमीटर में, और मल्टीमीटर को चेक करने के लिए इसको हम पहले बीप मोड पर सेट करेंगे। हमने इसको बीप मोड पे सेट कर दिया है। अब सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप जो इसके अंदर रेड वायर है, रेड वायर को हमें चेक करना है, क्योंकि रेड वायर जो है यहाँ पर यही बाइक को जो है स्टार्ट करने का काम करेगी। ठीक है, तो रेड वायर के अंदर हम एक पिन लगाएंगे इसकी मल्टीमीटर की, लगा लो रेड के अंदर, रेड इधर। ठीक है, मल्टीमीटर रो यहाँ दिखा। तो गाइस आपने जो रेड वायर है उस पर मल्टीमीटर के एक जो प्रोब है उसको लगा देना है, और जो मल्टीमीटर है वो बीप मोड पे है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। और अब हमें इसे टेस्टिंग करना है, ये जो वायर है वो सही है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको प्रोसेस करना है, यहाँ से मल्टीमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया है रेड वायर के साथ, और दूसरी जो प्रोब है मेरे हाथ में है, ठीक है, उसको टेस्टिंग करने का तरीका है। यहाँ पर जो रेड वायर है बैटरी की, उस पर जो वायर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये फ्यूज बॉक्स के अंदर आता है, ये रेक्टिफायर से आता है, रेक्टिफायर से यहाँ आएगा करंट, फिर रेक्टिफायर का जो करंट है फ्यूज के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, फ्यूज तो हमारा ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम इस रेड वायर पे चेक कर सकते हैं। इस पर बीप की साउंड आनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं जो हमारा मल्टीमीटर है उसके अंदर आप बीप की साउंड सुन सकते हैं। जैसे वायर को हटाता हूँ बीप बंद हो जाती है, और वायर को लगाता हूँ बीप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रेड वायर है वो सही है। अब यहाँ पर बची है दूसरी वायर, तो फॉल्ट जो है वो दूसरी वायर के अंदर है, जो यहाँ पर वायर है रेड में ब्लैक। अब इसी वायर की वजह से जो है बाइक के अंदर शायद स्पार्क नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये जो वायर है ये CDI पे जाके कनेक्ट होती है, CDI यूनिट तभी स्पार्क बनाएगा जब ये वहाँ पर सप्लाई देगी। हमने इसको बाईपास तो करके देख लिया, अब इसको टेस्टिंग करना है। इसको टेस्टिंग करने का तरीका है, जो मल्टीमीटर है उसको हम दूसरी वायर पर लगाएंगे, रेड पे ब्लैक पे लगा भी, रेड ब्लैक पे मल्टीमीटर लगा दे, मल्टीमीटर रोक यहाँ, वायर लगा कर रखी वहाँ। तो यहाँ पर जो फ्यूज बॉक्स है उसमें लगी है रेड में ब्लैक वायर, देख सकते हैं ये वायर यहाँ से जाती है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमें या तो इसका फ्यूज निकाल सकते हैं, या फिर नीचे से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसका फ्यूज निकाल लेते हैं, और इसके अंदर जो ये पत्ती है रेड ब्लैक पे जो लगी है उस पर इसको मीटर को टच करके देखते हैं, साउंड आता है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी साउंड वगैरह नहीं है, लगा के रख भाई अच्छे से। तो वायर हमने वहाँ पर लगा रखी है लेकिन बीप की साउंड नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारी रेड ब्लैक वायर है वो जो है कट चुकी है कहीं से। चलिए इसको टेस्टिंग कर लेते हैं कहाँ से कटी है, फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ से वो कटी हुई तार निकली। तो गाइज़ हमने इसको यहाँ से तो चेक कर लिया, अब इसको चेक करने का यहाँ से चेक कर लेते हैं, शायद ये वायर प्लस लिया भाई। तो इसको हम यहाँ से चेक करते हैं, ये जो रेड ब्लैक है ना इसको खींच, सीधा सीधी करके तार खींच, हाँ निकले बाहर, हाँ ये कटी है, ये बीच में से कटी, निकाल निकाल बाहर निकाल। तो गाइस देखिए ये जो वायर, जब हम यहाँ से इसको चेक कर रहे थे तो ये वायर का पता नहीं लग रहा था, अब यदि हम इसको खींचेंगे तो अब ये थोड़ा हार्डली निकल रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको खींचते हैं, तो इसमें पहले से ही जॉइंट था, यहाँ पर जोड़ था, देख सकते हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हुई है, जिसकी वजह से बाइक शायद स्टार्ट नहीं हो रही। चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं दोबारा से, फिर चेक करते हैं। तो गाइस अब हम इस एक हमने एक तार ली है, ठीक है, सरिया की तार है, सरिया बांधने की, ठीक है, इसको अब हम सीधा डालेंगे इस तरह से, और ये तार वहीं निकलेगा जहाँ से वो तार डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो गाइस हमने इसको यहाँ से जॉइंट कर दिया है, अब इसको हम बिल्कुल आराम से खींचते हैं और वायर को उधर निकालते हैं। चलो भाई खींच ले खींच ले खींच दे खींच ले खींच ले खींच ले आराम से सीधे करगा, चल चल आराम से,
ठीक है निकल गई। ठीक है तो गाइज हमने यहाँ से जो जॉइंट था वो आगे निकाल दिया है, हमने जो एक्स्ट्रा वायर इस पर जोड़ के यहाँ निकाल दिया। ठीक है अब इस वायर को जो है हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो गाइज हमने इस तरह से इसको जोड़ दिया है, ये तार एक्स्ट्रा रखें थोड़ा सा, कभी भविष्य में फिर से टूट जाए ताकि इसमें आपको दिक्कत ना हो। और अब जो इसकी सॉकेट है उसको हम लगा लेते हैं जो हमने डिसकनेक्ट की थी यहाँ से, फटाफट लगा। और इसको लगाने के बाद जो है हम इसका स्विच ऑन कर लेते हैं। अब जो करंट वगैरह है उसको चेक करते हैं, आता है नहीं, जो आपने फ्यूज निकाला है उसको लगा दीजिए। ठीक है और अब चेक करते हैं। ठीक है मार भाई। तो भाई यहाँ पे स्पार्क जो है मैं थोड़ा फ्लैश ऑन है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो देख सकते हैं जो स्पार्क है बाइक के अंदर अब आ चुका है। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है मार भाई। तो गाइज बाइक हमारी ओके हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रॉब्लम यदि आपके पास स्प्लेंडर प्लस 2012 के बाद के मॉडल में आता है तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे दो फ्यूज जिस बाइक में मिलेंगे आपको स्प्लेंडर प्लस में या फिर एचएफ डिलक्स या फिर सीडी डिलक्स, उनके अंदर जो प्रोसेस है वो सेम ऐसे ही रहेगी। इस तरह से आप इसका जो स्पार्क फ्रंट जो करंट है वो यदि चला जाए तो इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं और बाइक को ठीक कर सकते हैं। तो गाइज इसके साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।